हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कब तुरी जेकिंग है। पर देखिए गाइस, हमारे फैन दिल के दो बच्चे हुए हैं, माशाल्लाह बाहर आ चुके हैं। गाइस देखिए, इन सभी को मैं दाने डाल दिया हूँ। देखिए गाइस, अच्छे तरह से सुकून से दाने खा लेंगे। और पानी चेंज करना है गाइस। ये देखिए, ये वाला बच्चा और दूसरा बच्चा भी है गाइस, जो वहाँ पर है। उससे थोड़ा बहुत पैर मोज भी है गाइस, पैर मोज नहीं है, छोटी है गाइस। ये देखिए सारे कबूतर भी, माशाल्लाह इनके बच्चे थोड़े बहुत बड़े हो चुके हैं गाइस। उनका कलर अभी पहचान में आ जाएगा, आपको दिखाता हूँ, आप भी देखिए गाइस। यहाँ पर देखिए गाइस, ये दो भी वेट है, दो बच्चे हैं। और यहाँ पर देखिए, ये दो भी ऐश कलर के हैं गाइस। इनके पैर मोज बहुत ही ज़्यादा है इनको, ये बारे इनके पेरेंट्स को भी थोड़ा बहुत रहे, इनको बहुत ज़्यादा आ गए गाइस। देखेंगे बड़े होने के बाद अच्छी तरह बता देता हूँ। और यहाँ के बच्चों को बड़े हो चुके हैं ना, मैं बाहर निकाल दिया हूँ। ये देखिए गाइस, ये फीमेल इनके बच्चों के वापस चला गई है, वहाँ पर वो मेल भी उनको बच्चों को फीड कराने के लिए चल गया है गाइस। दाने खाते होना तुरंत जाते हैं, उनको बच्चों को खिला लेते हैं। और वहाँ पर भी दो बच्चे हैं गाइस, एक ब्लैक है, एक मल्टी कलर है गाइस। दो बार बच्चा बनेगा वो। ये देखिए गाइस, एक बार दाने खा चुके हैं, वो बच्चों को फीड भी करा चुके हैं, मैं दोबारा भी डाल दिया हूँ, वो भी ख़त्म कर दिया है गाइस। देखिए अभी सारा अच्छे तरह से नीचे पी लेते हैं गाइस। यहाँ पर आके थोड़ा बहुत वो मट्टी और लीव्स भी खाते हैं, उनका डाइजेशन के लिए बहुत ही प्रॉपर रहेगा गाइस। और थोड़ा बहुत ग्रिड वगैरह भी खाते हैं और उनको बच्चों को भी खिलाते हैं ना, उनका सेहत बहुत ही अच्छा बनता है। देखिए ये मेरे हाथ में आ जाएगा। देखिए गाइस, ये मेरा लड्डू बच्चा है, यहाँ पर ही पैदा हुआ था गाइस। अभी इसके बच्चे हैं खुद के दो, वो बच्चे ही है गाइस, ये वाला एक है और एक वाला उसका केज में चला गया है। देखेंगे गाइस, इसमें से एक तीन पैर हमें सेल आउट करना है, सेल आउट करके उसमें उसके बाद एक फैंसी पेड़ लाना है गाइस। देखेंगे क्या होता है कि ये कितने भी बच्चे हैं ना, वो सभी हमें सेल आउट करके फैंसी कबूतर खरीदेंगे गाइस। इससे थोड़ा बहुत कबूतर भी कम रहेंगे और फैंसी का शौक बढ़ता रहेगा और ठीक ठाक भी रहेंगे गाइस। जितने कबूतर ज़्यादा होते हैं ना, तब उनको कुछ ना कुछ रहता है, कुछ ना कुछ आ जाता है गाइस। इसलिए मैं कबूतर कम ही रखता हूँ, उनके प्रॉपर से रहते हैं, तभी एक 10-15 पेड़ तक हमें आसानी से रख सकते हैं गाइस। मैं 1-10 पेड़ रखता हूँ, उससे ज़्यादा होते हैं तो मैं सेल आउट करके दोबारा कोई ना कोई एक रुपये सॉफ्ट पेड़, सॉफ्ट नहीं है, फैंसी पेड़ ला लेता हूँ गाइस। ये देखिए, वहाँ महीना के दो शोर मचाते हैं, उनके बच्चे भी ठीक से बड़े हो चुके हैं गाइस। थोड़ा बहुत बाहर आ जाते हैं कभी कभी, वो निकालने में बहुत मुश्किल है गाइस, मेरे तो चोट लग जाती है। ये देखिए गाइस, जाके सभी भी वो हीट के हीट वगैरह खा लेते हैं और वो झाड़ों को भी खाते हैं गाइस थोड़ा बहुत। ये हमें पकड़े हुए सो कबूतर है ना, इसको आज़ाद कर दिया है गाइस। बहुत दिन हो चुका है, 3 दिन ही बंधा हूँ उसे, पर उसके बाद मैं छोड़ दिया हूँ। अच्छे तरह से हमारे प्लेस को आदत हो चुकी है गाइस। हमारा फीडिंग अच्छा है तो वो प्रॉपर से यहाँ पर रहने के लिए इंटरेस्ट बनता है गाइस उनको भी। ये देखिए, वो दो पैर जल्द से जल्द अंडे डालने वाले हैं, वहाँ पर नहीं दाने वाले हैं गाइस, उसमें से इधर का आ चुके हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ना, ये जल्द से जल्द अंडे दे देंगे। थैंक यू सो मच गाइस, ये वीडियो में इतना ही है। आपको ये वीडियो इंटरेस्ट लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए गाइस। थैंक यू।